तुमसे तो हो लिया, भाभी जी तुमसे ना हो पाएगा। किसको देके आए हो? आज तुझे भी गिफ्ट करूंगा चल। थोड़ी देर में कूड़े वाला आएगा, उसे गिफ्ट कर दियो। करो, मैं भी सेट कर लूँ, मेरे को भी एक दो रील बनानी आज। भाई साहब मैं भी रील बनाने जा रहा हूँ, मेरी पिछली रील पे पूरे 200 व्यू आए हैं। नमस्कार जी, आज सुबह सुबह हमारे भैया ने हम पे बड़ा जुलम कहा हुआ है। जुलम का कहा हुआ है, हमें सुबह सुबह नहा दियो है भाभी। बढ़िया किया, बढ़िया बढ़िया, कुछ नहीं किया, सुबह 8 बजे नहला दिया मेरे को, बोला कहीं जाना है। भाई मैं ठप से नहा लिया, मैं कहीं जाना है। वो तो बोल रहा था डेली 8 बजे नहाएगा। डेली 8 बजे नहाए, क्यों नहाएगा भाई? मैं नहीं नहाऊंगा डेली डेली, ये कोई बात थोड़ी होती है। मेरे भी इमोशंस है। ड्राई क्लीन होके आया। नहाया था, नहाया था भाई, नहाया था। भाई मैं नहाया हूँ, नहाया हूँ। मैं लोगों को सफाई देने नहीं बैठा इस बारे में। ये कर लेगा, बड़ा डांसर है, करियो। तुमसे ना होगा। अरे बंद करो, कॉपीराइट आएगा। तुमसे तो हो लिया, भाभी जी तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। फर्स्ट स्टेप करके दिखाओ ना। फर्स्ट क्या? वो सर्टिफाइड डांसर है भाई साहब, मैं स्ट्रीट डांसर हूँ, ठीक है? वो सर्टिफाइड डांसर है। बात तो सही है। भाई साहब वो सर्टिफाइड डांसर है, मैं स्ट्रीट डांसर हूँ, फर्क तो होगा ना स्ट्रीट डांसर में और सर्टिफाइड डांसर में। ले भाई साहब शकरकंदी उबल गई, इधर कहाँ बन रहे हो? ये राजमा कम उबाले थे, भिगोए थे मैंने, इसलिए का राजमा चावल खाने का मन कर रहा है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। कुछ नहीं, ऐसे बुंडी फूटेगी ना आपकी धड़ाम से। ये तो भांगड़ा ही कर रहे हैं इंग्लिश में बस। हाँ कर ले, डांस क्लास ज्वाइन करो। एक तो ना देखो, डांसर बनने के लिए एक चीज करनी चाहिए, एक तुम्हें ये पैंट ऐसे उठानी आनी चाहिए। जब तक तुम ये पैंट ऐसे नहीं उठा सकते ना, तब तक डांसर नहीं बन सकते। और थोड़ा सा स्टेप ऐसे कर दो बस। पैंट नहीं होती वो, लहंगा होता है यार। नहीं पैंट उठाते हैं डांसर, उसकी ढीली पैंट है। अरे जितने भी डांसर होते हैं वो जानबूझ के से पैंट उठाते हैं। या ये करके, हां ये जानबूझ के करेंगे ना। हमको तो आती है। मेरी चेन दे दो यार, मेरी चेन दे दो, मेरी मेरी वो मेरी रिस्ट वॉच दे दो। बम्बई लेके आई हो क्या? नहीं बम्बई दिल्ली में आई थी। मेरे को लगा तुम एक ही बात पहनोगे। मैं गिफ्ट कर दिया, मैंने बोला मेरी याद में। अरे भाभी जी आपके लिए एक गाना आया है। मेरी चेन दे निकाल के। मैंने गिफ्ट कर दिया। किसको देके आए हो? आज तुझे भी गिफ्ट करूंगा चल। थोड़ी देर में कूड़े वाला आएगा, उसे गिफ्ट कर दियो। दूसरी भी जलाओ, दूसरी भी जलाओ। थोड़ी देर में कूड़े वाला आएगा, भाभी को गिफ्ट कर दियो उसको। बोल ले भाई, आज मैं तैयार हो रहा हूँ, एक अच्छी वीडियो बनाएंगे। तिजोरी में रखी है 100 रुपए की चेन। कोई चोर आएगा चोरी करने, फिर पता चलेगा तिजोरी में क्या है 100 रुपए वाली नकली चेन। बात वो नहीं है यार, बात वो है कि वो चेन बड़ी सेक्सी। भाई साहब यस, पता नहीं घूम गए ये भगवान इस चेन के लिए। भाई तुम्हें नहीं पता ये चेन कितनी प्यारी है, मुझे तो बहुत प्यारी लगती है। देखो इसमें आगे गो विद द फ्लो। चलो मैं तैयार होता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं कैसे लग रही है। हीरो लो। हीरो कौन सी फिल्म का? कौन सी फिल्म का? अपनी जिंदगी के। मेरी पिछली रील पे पूरे 200 व्यू आए हैं। गोल्डन दीदी इज हियर, क्या बात है।
लो लो नहीं है चोरी, चोरी 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 छुपके छुपके फिल्म देख के आए हो क्या? अच्छा मुकेश भैया के घर पे नहीं गए ना, सीधा चुप चुपा के ऊपर ही आ गए। मम्मी की फूफा जी, मम्मी की बुआ, मम्मी के फूफा जी, मम्मी की बुआ पर फूफा ही बोलते हैं, मम्मी के फूफा जी एक्सपायर हो चुके हैं, गुजर गए हैं, तो वो रहते हैं राजस्थान में, तो एक दो दिन के लिए वो लोग जाएंगे और कम से कम तीन से चार दिन रुकते हैं आराम से, देख लीजिए। क्यों एक ही दिन का तो होगा वहाँ पे? 14 को जाएंगे, 15 को काम है, 16 से पहले आने से। 14 को जाएंगे, कल जाएंगे, कल जाएंगे, 15 को है तो भी 16-17 को ही आएंगे आराम से। अच्छा चिल कर फन कर, तू बड़ा फन कर रहा, मेरा तो ऑफिस है, मैं तो गाँव जा रहा हूँ। तो ये भी चला जाएगा, इसको भेज दे मम्मी के साथ, नहीं जाएगा। और ये मम्मी लाई है अभी हमारे फ्रिज में ना, 2 किलो सेब रखे हुए हैं, मम्मी जा रही है तो मम्मी कह रही है कोई कमी कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। सारा सामान ला के रख दिया है कि बच्चों को नीचे जाके परेशान ना होना पड़े, क्योंकि अगर हरीश भी जा रहा है तो फिर ये तो जाएगा नहीं, मेरा ऑफिस रहेगा, तो मम्मी ने पहले ही सारा सामान, मम्मी मेरे लिए एक चीज़ लेके आई है, रात को मेरा पहनने का बड़ा मन था पर मैंने कहा पहले मैं दिखाती हूँ वीडियो में, मेरा नाइट सूट लेके आई है मम्मी, 2 भी ठीक है, तो दोनों ही कलर बड़े मस्त है, ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर, और इस पर ना कुछ बना भी हुआ है, ये देखो सुंदर लग रहा है ना, कमेंट करके बताओ गाइस। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरे को ना मम्मी और केपी की ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, बिना बताए ऐसा सरप्राइज दे देते हैं, तो मतलब मैं आई बेड पे रखा हुआ था, मुझे इतना खुशी सी हो रही थी, मैंने कहा ओ माय गॉड कोई मेरे लिए कुछ लाया है। मैं एकदम खुश हो गई। फिर सुनो आजकल हम जल्दी ना ले रहे हैं, ठीक है, 2 ही दिन हुए तुझे देखती हूँ मैं कितने दिन, कल तो सरप्राइज नहीं हुआ था, रहने दे, मंडे है मुझे लगा संडे है आज, अच्छा फिर मेरे को लगा कि संडे है, मेरे को लगा जिम बंद होगा, मैं तो आराम से सो के उठी फिर। अच्छा अच्छा सुन रहे हो विनोद, विनोद तो टहलाया 6:30 बजे चली गई। आप भी, आपको विनोद कह रही है, मैं तो वॉशरूम के लिए उठी, देखा मम्मी तो कुकर उकर वो पता नहीं क्या क्या चढ़ा चढ़ोगे, मैंने को भाई कितना यो बोल लिया, मैं ना एक बार ऐसे घड़ी देखी, फिर मेरे को लगा शायद ज्यादा टाइम हो गया, मैंने दोबारा ऐसे करके देखा, मैंने कहा अभी तो 6:30 हो रहे हैं, कुकर में क्या चढ़ा दिया, फिर मम्मी अपना टहलने चली गई जूते पहन के। मैंने देखो बोला डस्टबिन मेरे कमरे में कर दे, करके नहीं गया, सीधा भाग गया, सुन के भी नहीं बोला आपने, बोला भाई इतनी तेज से चिल्ला के बोला जब तू वॉशरूम में घुसा था। अच्छा क्यों? क्या था स्क्रब में मिर्ची लगती है, देख तो सही एक्सपायर तो नहीं हो गया, ले ले भाई साहब एक्सपायर है सही में, अगस्त 2022 भगवान का सब, अरे ये लिखा हुआ अगस्त 2022, ये देखो गाइस एक्सपायर, आंख में लग गई मिर्ची भाई साहब, भाभी जी की इसमें मिर्च कहाँ से आ गई, हल्दी है इसमें तो एक्सपायर हो जाएगा तो मिर्च लगेगी, मुझे लगा अच्छी चीज है, ओ दो तेरी तोड़ लगे जट ने, एक्सपायर हो चुका है, अरे कब के कुछ नहीं होता, रोज लगाता हूं, हफ्ते लगाता हूं मैं, बेबी शो योर बॉडी, मम्मी मम्मी को देख, मम्मी को देख, जल्दी ले ले मम्मी को, मम्मी सीचा कहां देख रही है, अरे वो बाहर से वैसा है ना नहीं, बाहर वो चल रहा है, दिख ही नहीं रहा हूँ मम्मी को, मम्मी दिख 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 तेरी दे दो नारियल का तेल मसाज कर, ये भाई साहब ये इंसान ने बॉडी क्या बना, कपड़े पहनना छोड़ दिए, अरे भाई ना के कपड़े पहन के ही निकलूं क्या, कैसी बात, क्यों नहीं निकल सकते, सब पहन के निकलते हैं, कौन पहन के निकल रहा है बताओ, हमारा पहन के निकलता था, रूम में पहनता था, हमने देखा है, वो कौन सी मूवी है, एक है ना वो शाहरुख खान की, अरे जिसमें वो टावल वाला शॉट आता है उसका, शाहरुख खान की नहीं, रणवीर सिंह की है, रणवीर कपूर की, हाँ रणवीर कपूर डांस करता है जिसमें,
करके दिखाई व्हाइट टॉवल में डांस। साहब जब मोटे से पतले होते हैं या लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं तो वो कंसीव करती है बेबी को, तो क्या होता है उस दौरान स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं पेट पे, या मतलब मेरे तो यहाँ है पेट पे भी है हल्के फुल्के इस जगह। सो मच एक्सपीरियंस, माय गॉड तुमने कौन सा बच्चा किया था जो तुम्हारे स्ट्रेच मार्क आ गए। पढ़ाई लिखाई भी कोई चीज होती है, अगर पढ़ लेते तो ठीक है, तो नारी अगर अगर स्कूल के अंदर जाते तो फायदे में रहते ना, पीछे से नहीं निकलते। जब स्ट्रेच हो रहा होता है, जब वो स्ट्रेच मार्क रेड होते हैं ना, अगर आप उस टाइम पे उस पे नारियल का तेल लगाओ तो उनके मतलब कम होने के चांसेस रहते हैं, बिल्कुल खत्म नहीं होते कभी भी स्ट्रेच मार्क, पर हाँ कम हो जाते हैं। तो बहुत सारी लड़कियाँ मसाज नहीं करती हैं थ्रू आउट देयर प्रेगनेंसी, इस वजह से उन्हें स्ट्रेच मार्क ज़्यादा होते हैं। और लड़के भी जो ज़्यादा मोटे हैं और एकदम से फैट लॉस करते हैं, वो भी अगर अपना करते रहेंगे मसाज, अजीब सा लगता है, थुलथुलिया सा हो जाता है, वो स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं ना, यही सीधे से नहीं स्ट्रेच मार्क नहीं जो हैवी से एकदम लूज कर देते हैं ना, वो तो मतलब गलत है, वो तो गंद हो जाता है फिर। देख मम्मी लाई ना हाउस माय न्यू चप्पल, न्यू अच्छी अच्छी, इस पे कुत्ता होता फिर दोनों कुत्तों के पप्पी कराते हैं, मेरी तो बिल्ली है ना तो फिर ये मारता है इसको, कुत्ता है बिल्ली नहीं है, मेरा वाला भी कुत्ता है, वही कुत्ता है। और बिल्ली कहाँ है? बिल्ली कहाँ है? तुम्हारी उस पे बनी है, मैं भी गया था, टैडी है यार ये, साइज नहीं मिला हमारा जानवरों का सेक्शन दूसरी जगह है साइज नहीं मिला यार, क्यों इसका साइज नहीं मिला, ठंड में ये चप्पल बेस्ट है भाई, घर में पहनो ना जूते पहनने की जरूरत। हाँ तुम अंदर थी तो पानी पी लिया मैंने भाई साहब, वेट ऐसे कम होता है, ऊपर देखियो वेट ऐसे कम होता है, ये डाइट यहाँ से उठी है, चलिए अब ऐसे कम नहीं होता ऐसे कुछ नहीं होता वेट का भाई साहब, ऐसे तो बस अफसोस होता है, अरे ऐसे तो सिर्फ अफसोस होता है संडे को कुछ अच्छा मंडे भी हो गया है, मंडे है वैसे आज, मंडे है भाई साहब, मंडे भाई साहब मंडे, ये देखो भाई मंडे इसके सामने मैं जा रहा हूँ, इसके सामने जिम जा रहा हूँ, जाएगी आ रही हूँ, तुम चलो तुम चलो, मैं आ रही हूँ आऊंगी किसी दिन, सुना तो सही मुझे क्या बोल रहे, मुझे बोल रहे तू 7 बजे आ जाए ना तो मैं जल्दी उठ जाऊँ, मैं आज 7:30 बजे पहुँच गया था, हे भगवान हे भगवान, तुम ले थी उसे, अब वही है ना वो मेडिटेशन कर रही थी ऐसे बेड पे ऐसे आंखें बंद करके मेडिटेशन कर रही थी लेट के, थोड़ा ऐसे वो, तो वो कपाल भारती था ना बीच में, बताओ भारती नहीं कपाल भारती, कपाल भारती बोला मैंने, बताओ थोड़े कराटे तो मेडिटेशन नहीं होती क्या इनको, ये क्या समझेंगे ये लोग, कराटे नहीं है वो, कराटे नहीं है वो, मेडिटेशन की वो कपाल भारती था बीच में, आप बंद करके जाग रही थी, कोई बात नहीं भगवान, मैं 6:30 बजे उठ गई थी आज, क्या तीर मारे 6 बजे उठ के फिर भी लेट हो, मम्मी से पूछा गेट किसने बंद किया, 7:30 में आया जब भी गेट आपने खोला, लेकिन जिस तेजी में आप भाग के वापस घुसे थे ना वो कौन बताएगा भाई साहब, इतनी तेजी में गए बाहर से ना आतंकी आ गए, तू आया तब भी मैंने गेट खोला ना, उसने नहीं खोला ना मैंने खोला, या 7:30 बजे तक जाग रही थी, पर जाग करके मस्तानी हो जाए उसी टाइम देन चटकी करते उठ ले, मैं ये दिखाऊंगा पूरा पराठा खाया है, ये नहीं कह सकते कि मैंने तो 2 बाइट लेके छोड़ दिया था और वो भी चाय में डुबा डुबा के, अरे मंडे है मेरी भाभी जी, मेरे हिसाब से संडे है, अरे खुद को कब तक ऐसे सस्ते झूठ बोलोगे भाई साहब, आप लोग बोलते हो ना हरीश भी, आप बोलते रहते हो बोलते रहते हो, हाँ मैंने खाए हैं 2, मैंने खाए हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा पीछे वाले फुटेज में, मैंने खाए हैं 2, मैं बिल्कुल मानता हूँ मैं ओवरवेट नहीं हूँ, मैं ओवरवेट नहीं हूँ, मैं भी ओवरवेट हूँ, मेरी एज के हिसाब से मेरा वेट बहुत परफेक्ट है, थोड़े दिन में ना वो जैसे सरदार नहीं बांध के रखते भाई वो मुंह पे चुन्नी दाढ़ी के लिए, थोड़े दिन बाद भाभी ऐसे बांधेगी गाल उठाने के लिए बुरा लग रहा है क्या, मैंने सुना ही नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे सरदार नहीं बांधते हैं दाढ़ी उठाने के लिए अपना, वो थोड़े दिन बाद ऐसे ना
भाभी बांधेगी अपने गाल उठाने के लिए। सही कह रहा है, सही तो कह रहा है। ऐसे कैसे बोल देगा, पीठ पीछे बोलनी थी ऐसी बातें। रुको मैं बोलता हूँ, चलो शुरू करो। तो आज का व्लॉग इतना ही, होप सो आप लोगों को मजा आया हो। मजा आया तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बैक चम्मा।